जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? होप सो यू विल बी फाइन। एंड टुडे द टॉपिक फॉर डिस्कशन इज रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। एंड डेफिनेटली दिस इज द एपिसोड नंबर 4 एंड सीजन नंबर 1 वर्जन 2.0 अपडेटेड वर्जन एंड द यूनिक एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन फॉर द क्लास 9 बायोलॉजी। इफ एनीवन वांट द रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट टेक्स्ट टू मी at that number and then after you will be registered to us and then I will share you link to join the WhatsApp channel and definitely if you want to join the live session to all of us then definitely you have to be paid for the live session। so let's get started about the next topic। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में जो ज्यादा चीज है वो लिखने वाली नहीं है, वो बात करने वाली है, वो समझने वाली है। वैसे ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार आ चुका है, पंजाब बोर्ड में भी, और मैंने सिंध के पास पेपर्स देखे थे उसमें भी आ चुका है, के पी के में भी आया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टॉपिक है उसके उसके कोर को समझिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं, ये इतने सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो ना, हर सब्जेक्ट का ना अपना एक डिसिप्लिन होता है, समझ आइए बात। हर सब्जेक्ट का अपना एक डिसिप्लिन है। जैसा कि अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो फिजिक्स का डिसिप्लिन क्या है? ओह माय गॉड, इसके ऊपर जोर लगाओ, द फोर्स इज अ डिसिप्लिन ऑफ द फिजिक्स, द मैटर इज द डिसिप्लिन ऑफ द फिजिक्स, राइट, द प्रेशर, प्रेशर इज द डिसिप्लिन ऑफ द फिजिक्स, द ग्रेविटी इज द डिसिप्लिन ऑफ द फिजिक्स। तो फिजिक्स का अपना एक डिसिप्लिन है जो कि मास, जो कि लेंथ, जो कि फोर्स, जो कि एरिया, इन तमाम चीजों को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, राइट। तो भाई फिजिक्स का अपना डिसिप्लिन हो गया। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री का भी डिसिप्लिन है अपना। केमिस्ट्री का डिसिप्लिन क्या है? केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री का डिसिप्लिन क्या है? केमिकल कंपाउंड्स। केमिस्ट्री का डिसिप्लिन क्या है? केमिकल कंपोजिशन। केमिस्ट्री का डिसिप्लिन क्या है? एटम, आयंस, रेडिकल, मॉलिक्यूल, राइट। ये केमिस्ट्री के क्या है? ये डिसिप्लिन है, राइट। लेकिन जब हम बायो की बात करते हैं तो बायो का कोई डिसिप्लिन नहीं है। मतलब बायो का जो डिसिप्लिन है वो, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बायो का डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन रेज करेंगे, डेफिनेटली जो स्कॉलरली टीचर लोग जो मेरे को देखते हैं, मुझे पता है मेरे को फॉलो करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि यार देखिए, इसका अपना डिसिप्लिन कोई नहीं है। मतलब अपना डिसिप्लिन का मतलब इसका जो यूनिक डिसिप्लिन है जो सिर्फ बायो तक महदूद है वो नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना तो मैं एज ए लिविंग बींग तो हूं, तो आप कहोगे कि सर आप एज ए लिविंग बींग है तो ये बायोलॉजी का डिसिप्लिन है, सेल आ गया। लेकिन साथ में ये भी तो देखो ना आप लोग के साथ में भाईजान फिजिक्स भी तो लग रही है। फिजिक्स कहाँ पे लग रही है? अब देखो मैं अगर लिविंग बींग अपने आप को कंसीडर करते हुए अपने ब्लड प्रेशर को देखता हूँ जनाब, तो मेरा ब्लड का प्रेशर नीचे की तरफ, मेरी लेग्स की तरफ, लिम्स की तरफ, लोअर लिम्स की तरफ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भाईजान नीचे ग्रेविटी है, ग्रेविटी मेरे ब्लड को क्या कर रही है, नीचे की तरफ खींच रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि बायोलॉजी कहां पे लिंक कर गई? फिजिक्स के साथ लिंक कर गई है, समझा की बात। एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मैं एक हार्ड वर्क करता हूं तो क्या होता है, मेरे स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, स्वेटिंग होती है। तो क्यों भाई? क्योंकि केमिकल रिएक्शन का रेट ज्यादा हो गया आपकी बॉडी में, राइट ना। केमिकल रिएक्शन का जब रेट ज्यादा हो गया तो केमिकल रिएक्शन तो यार केमिस्ट्री में थे, ये इधर कहां पे लग गए? आके लग गए क्यों? क्योंकि ये एक इनडिसिप्लिनरी साइंस है, इसका अपना जो डिसिप्लिन है वो इन बिटवीन है यार, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, जियोग्राफी के। मींस दैट यू कैन नॉट एक्सक्लूड एनीथिंग। इफ आई विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हैज इट्स ओन डिसिप्लिन, इकोनॉमिक्स हैज द रेशियो टू अर्न, द इकोनॉमिक्स हैज द रेशियो टू प्रॉफिट, इकोनॉमिक्स हैज द रेशियो at which cost you are buying, at which cost you are selling, what is the profit, right? Every subject has its own discipline. But when we talk about the biology, biology discipline is a wide. It means that we consider it's a multi-dimensional science. Means that biology kehti hai physics aaja mere paas, chemistry aaja mere paas, mathematics aaja tu bhi. Halanki dono ka dushmani ka rishta hona chahiye, hamare haath to dushmani dal di hai inhone. बायो को, मैथ्स को एक दूसरे के दुश्मन मुखालिफ कंसीडर करते हैं एफएससी में, बट बायोलॉजी कहती है बड़े दिल के साथ आजा मेरे पास, समझ में आई बात। तो आपको ये बात समझनी है कि बायोलॉजी जो है वो भी शाहरुख खान की तरह ही है जब वो ऐसे बाएं फैला के कहता है, समझ में आई बात। लेकिन बायोलॉजी बाएं फैला के कहती है आई एम इनडिसिप्लिनरी साइंस, ओके।
सो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड दैट कि बायोलॉजी हैज इट्स ओन डिसिप्लिन बट दिस डिसिप्लिन इन बिटवीन द अदर सब्जेक्ट्स आल्सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस इज इट क्लियर तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी क्लियर द कंसेप्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड मल्टी डायमेंशनल साइंस एंड देन आफ्टर डेफिनेटली वी हैव टू बी कवर द अदर्स ब्रांचेस आल्सो लेट्स गेट स्टार्टेड प्रीवियस आपको नजर आ रहे हैं लेक्चर जो बच्चे बिल्कुल नए हैं इस लेक्चर के ऊपर तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग लेक्चर नहीं कहते हम लोग एपिसोड कहते हैं और हम लोग चैप्टर्स के बजाय सीजन लिखते हैं तो अगर आपको हमारा कोई भी चैप्टर से कोई भी लेक्चर स्टडी करना हो तो आप लिखिएगा सीजन नंबर 1 एंड एपिसोड नंबर फलां 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 बिकॉज हम भी किसी ड्रामाबाज से कम थोड़ी हैं मतलब ड्रामाबाज का मतलब वेरी सॉरी ड्रामाबाज तो नहीं है मतलब ड्रामाबाज तो फेक होते हैं हम तो रियल में एग्जिस्ट कर रहे हैं और रियल रियल सच्ची सच्ची बातें कहानियां सुनाएंगे आपको ठीक है तो मतलब हमारी जो सीरीज है वो किसी ड्रामे से कम थोड़ी है ये कहना चाह रहे थे हम एक्चुअली चलिए जी बात शुरू करते हैं बात को लेके चलते हैं बात को बनाते हैं आपको पता है ना हम क्विज सेशन भी कंडक्ट करवाते हैं सबकी मोहब्बत सबकी चाहत हमारे इस चैनल के साथ आप सबके साथ चलिए ओके लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी बच्चा जिसको होम ट्यूशन या समथिंग एल्स बहुत सारे कुछ जरूरत होती है ट्यूटर्स का आई हैव अ टीम तो आपको मेरे पास टीम है और वो परफेक्ट टीम है अपडेटेड टीम है ठीक है तो आपको अगर चाहिए तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट टू अस वी विल प्रोवाइड टू यू हम आपको प्रोवाइड करेंगे और डेफिनेटली जबरदस्त होंगे वो आपके लिए चलिए शुरू करते हैं आज हमारे पास एपिसोड नंबर 4 है तो आज का मैंने जैसे कि आपको स्टार्ट के ऊपर ही कहा था कि लिखने वाला काम थोड़ा सा कम है आज तो आज समझने वाला था तो पहला जो चीज मैंने आपको समझाया थी वो तो मैंने आपको बता दी अब हम चलते हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस टॉपिक टाइटल लिखते हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस तो सबसे पहले हमने जिसके बारे में बात करनी है वो है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री चलिए स्टार्ट करते हैं तो अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो देखें दो लफ्ज आगे एक आगे बायो दूसरा आगे केमिस्ट्री केमिस्ट्री में होते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो इट्स मींस दैट कि बायोकेमिस्ट्री जो है इसमें हमने क्या स्टडी करना है हमने वो तमाम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना है जो कहां पर हो रहे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री में आपने इसको कैसे लिखना है आपने कहना है आपने लिखना है ऑल द केमिकल रिएक्शंस एंड द केमिकल कंपाउंड्स एंड देयर कंपोजिशन दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो तमाम बायोलॉजिकल कंपाउंड्स वो तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस उन तमाम मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं वो किस में आएंगे वो बायोकेमिस्ट्री में आएंगे समझ में आ गई बात तो मैं बायोकेमिस्ट्री में क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं इट डील्स विद ऑल केमिकल रिएक्शंस या केमिकल कंपाउंड्स डील्स विद केमिकल रिएक्शंस It deals with chemical reactions and chemical compounds present in body of living organism. तो वो किस में आएंगे वो आएंगे biochemistry में present in body of living organism. तो वो किस में आ रहे हैं वो biochemistry में आ रहे हैं अब हम चलते हैं इससे आगे और इसकी ना कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं एग्जाम्पल्स को देखें तो दो एक जो यूनिवर्सल एग्जाम्पल है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है केमिकल रिएक्शन दैट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ना एनर्जी मिलती है तो डेफिनेटली कोई भी लिविंग बींग है तो मैंने आपको एपिसोड नंबर 1 में समझाया था कि उसमें मेटाबोलिज्म होता है तो वो मेटाबोलिज्म क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन केमिकल रिएक्शन को मेटाबोलिज्म कहते हैं और फिर उसके नतीजे में एनर्जी बनती है तो ये मेरे पास आ गया सेलुलर रेस्पिरेशन ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में क्या मिल रही होती है एनर्जी मिल रही होती है फिर एनर्जी को फिक्स कौन कर रहा होता है इस दुनिया में फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल रिएक्शन तो वो फिक्स कर रहा होता है एक्सेट्रा क्लियर होगी बात मेरा आपसे छोटा सा क्विज है जल्दी गाइस इधर 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 मेरा क्विज है क्विज ये है कि ये रूम है मेरे पास अगर इस रूम के अंदर मैं रेड लाइट लगा देता हूँ ठीक है सिर्फ रेड लाइट
उस रेड लाइट को लगा के यहाँ पे मैं प्लांट्स को प्लेस कर देता हूँ, तो मुझे बताओ क्या मेरे को वो पौधे नजर आएंगे कि नहीं आएंगे, दिमाग लगा के सोल्व करना बुद्धू। अब इधर देखो, अगली जो हमारे पास है डेट इज द बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स की अगर हम बात करें, बायोफिजिक्स में आपने याद रखना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और साथ में फिजिक्स आएगी। फॉर एग्जांपल कैमरा, यार कैमरे के सामने खड़े हैं स्टूडेंट, मेरे साथ लाइफ इंगेज्ड हैं, समझ में आ गया। अभी क्या है, अभी देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, स्टैंड यूज कर रहे हैं, एक एंगल के साथ स्टैंड बना है कि नहीं, ट्राइपॉड स्टैंड बनाया है ना उन्होंने, उसकी तीन टांगे बना दी हैं ताकि वो गिरे नहीं, है ना, समझ में आ गया ना बात। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये चीज आपने याद रखनी है। इसी तरह से ग्लासेस खोपे आईज के ऊपर जो लगा के बंदा बैटरी लगता है ना, बैटरी, तो वो जो बैटरी है मुझे ये बताओ कि वो आई ग्लासेस यूज किए जाते हैं आई साइट के डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, समझ में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स लगाई कि नहीं। फिजिक्स में पढ़ते हो कि नहीं, रे डायग्राम पढ़ी होगी कभी आठवीं में, कभी तो पढ़ी होगी चाचा छक्कन, पढ़ी है किसी ने, हाँ पढ़ी है, तो वो इसी में आएगी, याद रखिए। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाइड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाइड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किस में आएगा, वो आपने याद रखना, डेट इज इंक्लूडेड इन बायो फिजिक्स, वो बायो फिजिक्स में आ जाएगा। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपने कहना है जैसे कि क्या बात करोगे, यूज ऑफ ग्लासेस टू एक्यूरेट द डिफेक्ट ऑफ आईज, वो किस में आएगा, वो इसी में आएगा, समझ में आ गई बात। आप में से कोई भी अगर इस वीडियो को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने चैनल पे कर लो यार, कोई मसला नहीं है, जो मजे करो। अच्छा मुझे पता है ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको करते हैं, तो मैं नहीं कह रहा किसी को कुछ भी। बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोफिजिक्स हो गया, बायो मैथमेटिक्स और बायोमेट्री। अगर हम बायोमेट्री की बात करें तो बायोमेट्री में आपने याद रखना है कि जब हम मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई करते हैं किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए, मेरे पास क्लास में इतने बच्चे हैं, इतने बच्चों को मैंने उनकी बॉडी में प्लाज्मोडियम डाल दिया, इतनों को मलेरिया तब हुआ, इतनों को तब हुआ, कितने परसेंट को कब हुआ, तो ये कहाँ पे स्टडी करेंगे भाई जान, ये मैथमेटिक्स में आएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट किस पे हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ना, तो ये आ जाएगा बायोमेट्री के अंदर, समझा की बात। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या याद रखना है बायोमेट्री के बाद, द फोर्थ वन इज दैट इट्स अ बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी का मतलब ये होता है कि जब आपने जमीन के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, जियोग्राफी का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब अर्थ, ग्राफी का मतलब ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हम उसको स्टडी करते हैं, वो बायोजियोग्राफी में आता है। फॉर एग्जांपल जब हम स्टडी करते हैं कि यार देखिए कि हमारे पास जो कैमल है वो किधर पाया जाता है, चोलिस्तान में पाया जाता है, जो हमारे पास बक है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो भी वहाँ पर पाया जाता है चोलिस्तान के अंदर। जब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मुझे बताइए एप्पल जो है अलग क्वालिटी के, वो कश्मीर में आएगा, कराची में आपको होगा सर कश्मीर के अंदर पाए जाते हैं, इलायची किधर पाई जाती है सर, अपर कश्मीर में पाई जाएगी, अपर पंजाब वाली साइड पर। इट्स मीन्स डैट के आपने ये बात देखी कि जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड है, समझ में आ गई बात। हर रीजन के अंदर एक खास चीज़ें पाई जाती हैं, जैसा कि अगर मैं कहूँगा कि इंसान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपने कहना सर इंसान पाए जाते हैं कहाँ पर, यजमान में। अगर मैं पूछूंगा हरामखोर किधर पाए जाते हैं, तो आपने कहना सर जो लाहौर से ऊपर वाली साइड के ऊपर आएंगे, लाहौर के अंदर ज़्यादातर आपको इंसान कम हरामखोर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे बायोजियोग्राफी में आ जाएंगे, सॉरी ये बायोजियोग्राफी में नहीं आएंगे, तो बस हम आपको शुगर लगा रहे थे, बता रहे थे, लेकिन एक्चुअल में जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, वो बायोजियोग्राफी में आता है। क्लियर होगी बात, बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी के बाद आगे आएंगे बायोइकोनॉमिक्स, पैसा, ठीक है। तो बायोइकोनॉमिक्स में आपने क्या देखना है, देखिए यहाँ पर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का सौदा किया, उनको खरीदा, उनको बेचा, हमने पैसे को कमाया, तो ये किस में आएगा, ये आ जाएगा बायोइकोनॉमिक्स के अंदर। ये किस में आएगा, ये बायोइकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा। क्लियर होगी बात, भी आपने याद रखना है कि दैट इज इंक्लूडेड इन बायोइकोनॉमिक्स। तो ये बायोइकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा, जिसमें आप चीज़ों को खरीदते हैं, लेते हैं, बेचते हैं, ये सारे के सारे उसी में आ जाएंगे। अब आपने ये करना कैसे है, इसका ना एक ट्रिक होता है, ट्रिक ये होता है कि आपने एक डायग्राम बना लेनी है इस तरह से बेटा। ये डायग्राम आप पेपर के अंदर बना के आओगे, पेपर के अंदर जब आप ये डायग्राम बनाओगे ना, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरह से प्लेटर बना देना है, प्लेटर, ठीक है।
यहाँ पे लिखना है बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पे लिखना है बायोफिजिक्स, यहाँ पे लिखना है बायोमेट्री, बायोमेट्री, यहाँ पे लिखना है बायो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे लिखना है बायो जियोग्राफी, ठीक है। ये आपने इस तरह से लिखने हैं। लिखने के बाद आपने सेंटर में लिख देना है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस। ये पता क्यों लिखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना, जो चेकर है बेटा, उसको चक्कर भी तो देना है, उसको चक्कर देना है हमने, उसको पता ही नहीं चलने देना। इधर ऊपर नीचे भूल भी गया ना, कोई बात नहीं, बट इसके एग्जाम्पल जो है वो याद रखने। जैसे कि इसके एग्जाम्पल आपने याद रखने, एग्जाम्पल के अंदर रेशो आ गया, प्रोपोर्शन आ गया, वर्ड्स एवर, जितने भी मैथ्स के अंदर आपको लॉस मिलते हैं वो सारे के सारे, किसमें लोगार्थम आ गया, सारा इधर लगा दिया। बायोजियोग्राफी में आपने वो एग्जाम्पल दे दें, कैमल इज प्रेजेंट इन डेजर्ट इकोसिस्टम, ये डेजर्ट इकोसिस्टम में पाया जाता है। फिर एंड के ऊपर बेटा जी आपने याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको आनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिखी है। इसके नोट्स आपने खुद बनाने हैं, चेक करवाने के लिए नंबर के ऊपर शेयर कर देना, लाइफ रजिस्ट्रेशन के लिए भी 03027762964, ठीक है। अगर किसी बच्चों को लैपटॉप चाहिए तो लैपटॉप भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी मैंने सिंध में 2 पार्सल भेजे हैं, अगर किसी और को चाहिए तो वो भी बता दे, अपनी रेंज भी बता दे, कितनी रेंज में चाहिए उसको, 10x10 में कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन प्रोवाइड किया जा सके। ओके, चलिए वापस आइए। अब हमें करना क्या है भाई, हमें यहाँ पे इस तरह से ये देखें, ये मेरे पास आ गया, एरो बना देने हैं सबके साथ, सबके दिलों में तीर मारेंगे, कभी आज और कभी कल मारेंगे। और इंशाल्लाह एक दिन फलस्तीन को मिट्टी में मिला देंगे। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये जो एरो बनाने ना, इसके बाद आपने यहां पे इसकी एग्जांपल्स मेंशन कर देना है। इस तरह से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कवर अप हो जाएगा, नंबर भी पूरे मिलेंगे। समझ में आ गई बात? ओके, तो अब मैं अपने बच्चों का जरा हाल देख लूं, क्योंकि आज मैंने इनको मैसेजेस वगैरह भी नहीं देखे। तो अब आप लोगों के बारे, चलिए जी पूछना शुरू करिए। अब